केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ विरोधी भी करते हैं, बीजेपी के धुर विरोधी भी उनके कामों के कायल हैं। लेकिन हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। समाज में और भी काम हैं जो बिना राजनीति के किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है? नितिन गडकरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है। विपक्ष के कई नेता उनके बयान को वायरल करने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी और अमित शाह की सत्ता की भूख और दोनों का उनके साथ खराब आचरण के कारण होनहार राजनीतिज्ञ 62 वर्ष के श्री नितिन गडकरी ने सत्ता के शिखर पर रहते हुए राजनीति छोड़ने की बात गंभीरता से कर रहे हैं। मोदी जी की सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है, जबकि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को जरूर सुन रहे होंगे। आपको बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब गडकरी ने इस तरह का बयान दिया है। इससे कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में गडकरी राजनीति को अलविदा कहते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है, गडकरी के इस तरह के बयानों ने विपक्ष को मोदी सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया है। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।